बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ तो ये अलबत्ता नमर्दी में बड़ा पुरतासीर है और इससे जो मर्दाना ताकत है तो वो अगर मुसलसल परमानेंट इसको इस्तेमाल किया जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाती है और कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाती है। तो जो अज्ज़ा जो हैं वो इसके अंदर डाले जाएंगे तो उनमें से सबसे पहला जो जोज़ है वो है खुशक जोग लेनी है आपने। तो ये कम से कम आप 6 अदद जोकें ले लें और दूसरे नंबर पर आपने आधी छटाकी जो है वो गुलकंद लेनी है और तीसरे नंबर पर आपने जो है वो जो वाखड़ा होता है तो इसकी जो जड़ें होती हैं पखड़े की वो आपने कम से कम 3 तोला लेनी है। तो सबसे पहले आपने जोकें जो है उनको देसी घी के अंदर थोड़ा सा बिरियाँ कर लें और फिर उसको रगड़ कर पीस कर पाउडर बना लें। दूसरे नंबर पर आपने जो बाखड़ा है उसकी जड़ें जो हैं तो वो लेकर तो आवन दस्ता के अंदर डालकर उनको पीस कर पाउडर कर लें। ये जब दोनों चीज़ें जो हैं वो बारीक हो जाए तो फिर ये थोड़ी थोड़ी डालकर जो है वो गुलकंद के अंदर तो खरलाई करते जाएं यहाँ तक कि ये सारी मौजूद पा जाए। फिर आप किसी भी डबिया के अंदर इसको महफूज कर लें। सुबह व शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ तो बकदरे निसफ जो टीस्पून है वो आप इस्तेमाल कर लिया करें। अगर गर्मी ज़्यादा पैदा करें तो फिर आप इससे थोड़ी मकदार में भी ले सकती हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और जो बीमार दोस्त हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अजला व कमल अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सहाबी वसल्लम। आपका खैर खा आपका भाई हकीम मोहम्मद अफ्तर कादरी फ्राम गुजरात पाकिस्तान।